गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड फोकस ऑन स्टडीज। वी आर ऑल आर पासिंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल फेज इन लाइफ। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर अंडर लॉकडाउन, नो मूवमेंट्स आर अलाउड। इवन इन दिल्ली कंप्लीट शटडाउन इज देयर अप टू 31st March। सो वट शुड बी डन ड्यूरिंग दीज पीरियड्स? The date of RBI main is not clear. Most likely by 15th of April, things will settle and we can expect exam thereafter. So what we should do? So today we will move to mock test number one. And for most of you, it may be reattempt. But some of you, it may be first attempt. So link I have provided in the description and comment column. Just go through this link, attempt this mock test and identify your weak areas. The next 3 days will be utilized towards focusing on these weak areas. One question is asked, sir, should we do the reattempt only those questions which we could not do last time or the full length? My answer is, it should be full length. Because in full length, you may identify some new areas of weakness. Sometime it happens in the first attempt, you are able to solve some question by fluke. But they are not your strong area. So once you reattempt it, you come to know there are still more weak areas. So as God is giving us more time for the main examination, we will utilize it fully. Many of you have already subscribed to this mock test. All those persons, those have not subscribed, I will advise them to subscribe it today. Either you can take only RBI main examination specific mock test or annual plan at 599. Choice is yours. Immediately after identification of our weak areas, we will follow our time schedule. So 1 hour on English, half an hour rest, 1 hour on quant, half an hour rest, 1 hour on reasoning, half an hour rest, 30 to 40 minutes on financial awareness videos. Link I have provided you in the description column. Then current affair on financial and then current affair from Good Magazine. 1 hour you should give to the computer awareness also. Ab yahi baatein hum Hindi mein karenge. Ghar pe rahiye, surakshit rahiye. ये आज का माहौल है, जितना हम दूर रहेंगे लोगों से उतना अच्छा रहेगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज बन के आई है, 15 अप्रैल तक चांसेस हैं कि हम इस क्राइसिस से शायद बाहर निकल पाएं और एग्ज़ाम्स भी उसके बाद ही हों, ऐसी संभावना है। अभी कोई डेट ऐसी आई नहीं है, पर जिस हिसाब से पूरे भारतवर्ष में अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में 31 मार्च तक का लॉकडाउन तो हो ही गया है, तो अब हमें ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, क्योंकि हमारा 29 मार्च को एग्ज़ाम होना था, ये जो 10-15 दिन हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसको यूटिलाइज करना है, अपनी स्टडी को डिरेल नहीं करना है। तो आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट मॉक टेस्ट री अटेम्प्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ये मॉक टेस्ट कर लिया वो भी आज इसको करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो पहली बार करेंगे। रीअटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर हमें खाली वही क्वेश्चन करने हैं जो पिछली बार नहीं किए थे, या पूरा करना है, फुल लेंथ करना है। फुल लेंथ करने से फायदा क्या होता है, कई बार हो सकता है पहली बार में आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हो, वो फ्लूक से हो गए हो, पर वो एरिया आपका स्ट्रांग नहीं था, तो जब हम दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो वो एरिया भी बाहर निकल के आ जाएगा और हम उस पर भी फोकस कर पाएंगे। जिन लोगों ने ये मॉक टेस्ट ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है वो तो इस लिंक को यूज कर ही पा रहे हैं जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट कॉलम में है। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है वो इस लिंक के जरिए आरबीआई का स्पेसिफिक या तो मॉक टेस्ट ले लें, वो भी आपकी चॉइस है, और एनुअल प्लान भी ले सकते हैं 599 में, उसमें अदर एग्जाम्स के भी आपको मॉक मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पता लग गया कहां पर मैं लैग कर रहा हूं, उस एरिया को टाइम टेबल बना के अटेम्प्ट करना निहायत जरूरी है। एक घंटा इंग्लिश को देना आधे घंटे का रेस्ट, एक घंटा क्वांट को आधे घंटे का रेस्ट, एक घंटा रीजनिंग को आधे घंटे का रेस्ट, 30 से 40 मिनट फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस जरूर देखिए,
ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। और इसके बाद आप करंट अफेयर और फाइनेंशियल देख लीजिए वीडियोस, इसके बाद करंट अफेयर पढ़ लीजिए अच्छी मैगजीन से, और एक घंटा आप कंप्यूटर्स पे भी जरूर लगाइए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।